राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। सिंधु दुर्ग में लगाई गई यह प्रतिमा 26 अगस्त को गिरकर टूट गई थी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया। उधर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये माफी नहीं ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षमय पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो वे महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को अपने पद से हटाए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।